बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। शक्ति कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। शक्ति कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। जीवन प्रभु उपहार है इसका मोल हजार है। जीवन प्रभु उपहार है इसका मोल हजार है। टिक टिक करती समय की सुइया कहती करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। दिल की दुआएं सब पे लुटाए अंत यही काम आए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियां गाए। ये घड़ी और इस तरह से संसार का तीसरा भाग आता है जिसको कहा द्वापर। द्वापर यानी जहां से दो पुर आरंभ हो गया। सत्य माना एकता, एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा, एकता की दुनिया है। लेकिन जैसे ही द्वापर आया, द्वापर दो पुर आरंभ हो गया। सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा। स्वास्तिका का हाथ जो आशीर्वाद की पोजीशन में था, द्वापर युग में इस पोजीशन में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इस पोजीशन में, यानी मांगना आरंभ किया हमने। किससे मांगना आरंभ किया? परमात्मा से। क्योंकि सत्य के साथ जैसे ही असत्य मिक्स होने लगा तो मतभेद हुआ। मतभेद के साथ साथ कलह क्लेश हुआ और कलह क्लेश आरंभ होने से दुख अशांति बढ़ने लगी। और तब कहा गया दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में करे तो दुख काहे को होए। यानी सत्ययुग और त्रेतायुग जो संपूर्ण सुख का पीरियड था, उस वक्त भगवान को किसी ने याद नहीं किया, इसीलिए संसार में दुख आया। अगर उस समय सत्ययुग और त्रेतायुग में भगवान को याद करते थे तो दुख काहे को आता था? तो दुख आने का कारण भी परमात्मा की विस्मृति। विस्मृति हो गई, भूल गए। अब परमात्मा का परिचय किसी के पास नहीं। दो युग तक तो याद करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। तो जब किसी के पास परिचय ही नहीं है तो किसको भगवान माने? तो जैसे आजकल की दुनिया के अंदर कई संतों के भी मंदिर बनाए जाते हैं। अगर मनुष्य से पूछा जाए कि ये संत तो हमारे जैसे इंसान ही तो थे, फिर उसके मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संतों के मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाया जाता है? कहते हमसे तो वो श्रेष्ठ थे इसलिए मंदिर बनाए जाते थे। हमसे वो श्रेष्ठ थे, पूजनीय थे, इसलिए मंदिर बनाए गए। ठीक इसी तरह जो द्वापर युग में आत्माएं आ गई, उनसे श्रेष्ठ पूजनीय कौन था? सत्ययुग और त्रेता युग के देवी देवताएं। तो भगवान का परिचय नहीं था तो उन देवी देवताओं को ही परमात्मा मान करके उनकी पूजा आरंभ कर दी। और इस तरह से देखा जाता कि जो मनुष्य एक श्रेष्ठ स्थिति में थे, वो जैसे जैसे द्वापर युग में आए, दुख अशांति महसूस हुई, देह अभिमान के वश हुए, तो जो उनके पूर्वज हो गए पूजनीय, उनके ही मंदिर बना करके पूजा करने लग पड़े। क्योंकि इस संसार में बुराइयों ने अपना घर आरंभ कर दिया,
अपना स्थान लेना शुरू कर दिया और उसमें भी देह अभिमान अहंकार। उसी वक्त में शास्त्रों का निर्माण हुआ, मंदिर बनाए गए, पूजा पाठ की रीत रस्म रिवाज आरंभ हुए और इस तरह भारत में भक्ति मार्ग आरंभ होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है। लेकिन भारत से बाहर दुनिया के अंदर क्या हुआ? तो दुनिया के अंदर कुछ महान आत्माओं का अवतरण होता है कि जिसने कहा कि हम परमात्मा के पैगंबर हैं, पैगाम लेकर के आए हैं। तो भारत से बाहर तीन महान धर्म पिताएं आते हैं ईश्वर का पैगाम लेकर के, पैगंबर। उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, हमेशा यही कहा हम भगवान का पैगाम लेकर के आए। सबसे पहले इब्राहिम आए जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की, उसके बाद महात्मा बुद्ध आए जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और उसके बाद क्राइस्ट आए जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। तो भारत में भक्ति मार्ग आरंभ हुआ, देवी देवताओं की पूजा आरंभ हो गई, भगवान का परिचय किसी के पास नहीं था। और इन लोगों ने भी कहा हम परमात्मा का पैगाम लेकर के आए, और इसलिए कोई भी धर्म को अगर देखा जाए तो कोई भी धर्म के असली सिद्धांत एक जैसे ही होते हैं। कोई धर्म हमें बुराई करना नहीं सिखाता, कोई धर्म हमें बुरे कर्म करना नहीं सिखाता है, पाप करना नहीं सिखाता है। असली हर धर्म के सिद्धांत एक जैसे हैं।